हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज से शुरू हो चुका है 60 दिनों का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां पर मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की इंग्लिश मात्र 60 दिनों में सिखाऊंगा। अब आज पहला दिन है, ये पहली वीडियो, इसलिए थोड़ी सी बकवास कर लेने दो। अब भैया, एक एक चीज, एक एक वीडियो रोज देखना और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि अब फर्रे भरने वाले हैं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं इंग्लिश स्पीकिंग। अब हर वीडियो देखना, ये नहीं कह रहे ये तो मुझे आता है, ये मैं क्या देखो, अरे इसे हटाओ, ऐसा मत करना। जो भी चीज मैं सिखाऊं और वीडियो में आपको पढ़ाऊं, सारी देखना। अब मैं पका नहीं रहा हूं, पहला दिन है, कभी भाग जाओ तुम बैच छोड़ के। इसलिए बच्चे बढ़ने वाले हैं, बैच भरने वाला है, नए-नए बैच शुरू हुआ है, डे वन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब किसे कहते हैं, यानी कि बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। ये समझ लो तुम्हें एबीसीडी के अलावा कुछ नहीं आता अभी, अभी तुम्हें अपना नाम ही लिखना आता है इंग्लिश में, इतनी इंग्लिश आती है, ये सोचो, माइंड बना के चलो। तो डे वन से लेके डे 60 तक आपकी अंग्रेजी होगी जहरीली। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर आल में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए, ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं आज पहले दिन में कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब किसे कहते हैं, क्या बला है, क्या बीमारी है ये। चलो भाई, सबसे पहले समझो सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ऐसे कुछ होगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कार्यकर्ता सा लग रहा है ये तो। अरे ज्यादा हिंदी हो रही है, देसी स्टाइल में समझाता हूं। अरे कोई भी सेंटेंस जो काम कर रहा है ना, मतलब मैं जा रहा हूं, जाने का काम कौन कर रहा है, मैं लिखा तो इसमें, यही ससुरा सब्जेक्ट है। तुम्हारे आने का काम कौन कर रहा है, तुम ही तो, यही सब्जेक्ट है। तो जो भी काम करने वाला होता है सेंटेंस के अंदर, यानी जिस काम को कर रहा है, वो बेचारा सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर यानी जिसे एक माना जाता है अंग्रेजी में, और एक प्लूरल यानी जिसे एक से ज्यादा माना जाता है। अब एक से ज्यादा वो दो हो, चार हो, 50 हो, ये नहीं अंग्रेजों को पता, बस इतना पता है एक से ज्यादा और एक। अब एक वाले कौन से हैं, ही, शी, नेम, इट, और एक से ज्यादा वाले कौन से, बहुवचन यानी प्लूरल, आई, यू, वी, दे। इनकी हिंदी भी बतानी पड़ेगी, आज बेसिक की क्लास है तो तुम लोग पकाओगे मुझे। चलो, ही का मतलब सबसे पहले सिंगुलर वाले समझते हैं। ही का मतलब होता है वह या उसे, लेकिन ये हमेशा लड़के के लिए, पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। शी का मतलब भी यही होता है, वह या उसे, लेकिन ये हमेशा लड़की के लिए यानी स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है। नाम का मतलब नाम ही होता है और इट का मतलब होता है यह। इसका इस्तेमाल हम कभी अभी 5-6 दिनों बाद सीखेंगे, अभी नहीं, इट इट छोड़ दो। अब दूसरे वाले हैं आई, आई का मतलब मैं, लेकिन अंग्रेज ससुर ऐसे होते हैं इसे प्लूरल मानते हैं। अब दूसरा है वी, सॉरी आई वाले में और बता दूं पहले, मैं या मुझे, आई का मतलब, वी का मतलब होता है हम या हमें, यू का मतलब होता है तुम या तुम्हें, और दे का मतलब होता है वे या उन्हें। अब ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे कॉपी में उतार लो और याद रखो, इसे रटना है आज रात को, तुम्हें कुछ मत करना, ये याद करना है। मैं पूछूंगा आई माने, तुम कहना आई माने जोर से आई, ये नहीं है, मैं कहूंगा अरे आई माने मैं या मुझे, ऐसे बताना है तुम्हें। ये हो गए हमारे सब्जेक्ट, इन्हीं से ही हम बेसिक सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भैया, वही कैन, में, शुड, वुड, इज, एम, आर, 60 दिन तक यही तो घिसेंगे, यही तो सीखेंगे हम। आज हम सिर्फ दो चीजें सीखेंगे, एक कैन और एक शुड। कैन माने सकता है, सकती है, सकते हैं, और शुड माने चाहिए। जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती आए, वहां कैन लगेगा, और जिनके लास्ट में चाहिए आए, वहां पर शुड लगेगा। और लास्ट में है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम, आना जाना, खाना पीना, पढ़ना सोना, नाचना हंसना गाना, रैप हो गया ये तो। तो भाई ये जितने भी काम होते हैं इन्हें वर्ब कहते हैं। अब वर्ब बहुत सारी होती है, पूरी जिंदगी इंसान याद ही करता रहता है। मूली छीलने को क्या कहते हैं, केला छीलने को क्या कहते हैं, गाजर खाने को क्या कहते हैं, इसलिए टेंशन मत लो, जितनी तुम्हें आती है इतनी तो पता है ना। गो माने क्या होता है, नहीं पता, अरे यार तुम्हें तो इतना भी नहीं पता, गो माने होता है जाना, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी। तो ये होती है वर्ब। अब सबसे पहले फॉर्मूला यही रहेगा कि जिंदगी में कुछ भी करो, कोई भी सेंटेंस अगर कॉमन बना रहे हो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद वर्ब लिखनी है, बस ये तीन चीजें। और अगर कोई टीचर देख रहा है वो कहे गलत पढ़ा रहा हूं मियां, इसके बाद ऑब्जेक्ट भी लगेगा, तो मियां पान खाते रहो, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, बच्चों को तीन चीजें समझने दो, उसके बाद समझा देंगे।
ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, लेडीज जेंट्स किसे कहते हैं, सब समझा देंगे। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। चलो अब सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, मैं जा सकता हूं। अब इसमें फॉर्मूला लागू कर उंगली रख रख के बनाओ। मैं यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, मैं के लिए आई। अब है हेल्पिंग वर्ब, तो हिंदी के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है लास्ट में, लेकिन अंग्रेजी में बीच में लगती है, दूसरे नंबर पे। तो लास्ट में लगता है सकता हूं तो कैन, और जा जाने को कहेंगे गो, काम यानी वर्ब ये तीसरे नंबर पे लास्ट में आ जाएगा, तो हो जाएगा आई कैन गो। ऐसे अगर मैं कहूं तुम्हें जाना चाहिए, तो फॉर्मूला पहले भेजो में घुसेड़ लेना, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी तुम्हें यानी यू, उसके बाद चाहिए यानी शुड, यू शुड, और ना गो। अब इसी तरीके से यहां पर कुछ सेंटेंसेस आप देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट लेके इनकी प्रैक्टिस करो, इनकी प्रैक्टिस करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इनकी इंग्लिश पोस्ट करो, मैं लाइक कर कर चेक कर दूंगा, और कोई गलती होगी तो कमेंट में आपको बता भी दूंगा। तो भाई आज रात को आपको सिर्फ कैन और शुड पर सेंटेंसेस बनाने हैं और कुछ नहीं करना है। आप जरा सी वीडियो और रहेगी, एक नॉलेज और ले लो। और अरे यार कितनी सांस खुल जाती है लगातार बोलने में, एक तो वीडियो में हम कट भी नहीं लगा सकते हैं, लगातार बोलना पड़ता है। चलो खैर, और दूसरी चीज ये है कि आपको एक नहीं दो दो बनाने हैं, यानी साथ ही साथ नेगेटिव भी बनाना है, नेगेटिव यानी नहीं वाला, और नहीं वाले में कुछ नहीं करना होता, बस जो नॉट है वो तीसरे नंबर पर रख दो, काम हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूं। जैसे मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, अब इसका साथ साथ नेगेटिव भी बना दो। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा कि मैं नहीं जा सकता हूं, बस नेगेटिव इंग्लिश वाला लिखना है, आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता हूं, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, एक ससुरे का नहीं वाला भी बना दो, यू शुड नॉट गो, तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है। ऐसे ही तुम आ सकते हो, यू कैन कम, यू कैन नॉट कम, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, यू शुड नॉट रीड, हमें आना चाहिए, वी शुड कम, वी शुड नॉट कम, तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, यू शुड नॉट स्पीक। तो कुछ इस तरीके से आप खूब सारे सेंटेंसेस बनाइए, और उसके साथ साथ उसका नेगेटिव भी बनाइए, प्रैक्टिस करिए। आज किताबें फट जानी चाहिए, कॉपियों में भर दो पूरी, ज्यादा हो रहा है, मतलब 100 सेंटेंसेस बना लेना तो याद रहेगा। तो भैया ये थी डे वन की वीडियो, अब 60 दिनों तक जुड़े रहना। आज पहले दिन आपने सीखा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज, सब्जेक्ट याद करना रात को बैठ के, कुछ दो तीन वर्ब याद करना, आने जाने खाने पीने क्या कहते हैं, नहीं तो गूगल जिंदाबाद, और हेल्पिंग वर्ब कैन और शुड के ऊपर सेंटेंसेस बना के पोस्ट करना। ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना, इस वीडियो को गली मोहल्ले में सबके साथ शेयर कर देना, और अपने दोस्तों को बता दो, अपनी सहेलियों को बता दो, क्लास शुरू हो गई इंग्लिश स्पीकिंग की, और जाते जाते एक विश वीडियो पे तुच्छा सा लाइक देकर जाना।